ऑफिस वर्क में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें या कहीं छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपके ऑफिस वर्क को इजी बना सकती है, आपके काम को इम्प्रूव कर सकती है। वहीं अगर आपको ये बातें ये ट्रिक्स नहीं पता है तो छोटी छोटी चीजें आपके लिए काफी बड़ी झंझट बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमएस वर्ड में ही आपको काफी कुछ काम करना पड़ता है। किसी ऑफिस में, किसी भी प्राइवेट जॉब में एमएस वर्ड और एक्सेल का काफी ज्यादा काम रहता है। वहीं अगर आपको एमएस वर्ड में कभी कभी कोई वर्ड या एक सेंटेंस या कोई एक पैराग्राफ अगर आपको सिलेक्ट करना है तो काफी झंझट होती है उसमें। कभी कभी आप वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो कोई अल्फाबेट रह जाता है या साथ में स्पेस कॉपी हो जाता है या कभी नहीं कॉपी होता। ऐसे ही अगर आप कोई लाइन सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, सावधानी से बिल्कुल स्टार्टिंग में कर्सर रखते हैं, क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं और लास्ट तक जाते हैं कि आपका सेंटेंस आखिर खत्म कहाँ हो रहा है। आप मैन्युअली उसे सिलेक्ट करके देते हैं कि ये मेरा सेंटेंस है, यहाँ तक है। उसमें भी कभी कभी फुल स्टॉप सिलेक्ट हो जाता है तो कभी रह जाता है और टाइम वेस्ट होता है, वो अलग। तो इसी टाइम को बचाने के लिए, आपके ऑफिस वर्क को इम्प्रूव करने के लिए आज कुछ ट्रिक्स सीखते हैं कि कोई सिंगल वर्ड अगर आपको जल्दी से सिलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में आपको ये डॉक्यूमेंट वर्ड सिलेक्ट करना है। अब तक आप कैसे करते थे, आप ऐसे करते थे ना, ये क्लिक किया, ड्रैग किया और इसको ऐसे सिलेक्ट किया, है ना। ठीक है, कहने को कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जब आप ऑफिस में काम करते हैं आपके पास टाइम और काम का प्रेशर रहता है, आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। किसी वर्ड को जल्दी से और प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डबल क्लिक करना है। किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक कर दो और वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, फिर चाहे उसकी लेंथ कितनी ही बड़ी या कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये देखिए, आपको कोई वर्ड सिलेक्ट करना है तो सिर्फ उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, बस डबल क्लिक करना है और वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो था वर्ड सिलेक्ट करने के लिए फास्टेस्ट वे। ठीक है, अब बारी आती है सेंटेंस की। कोई सेंटेंस आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है तो कैसे करोगे, अब तक कैसे करते थे, स्टार्टिंग में बिल्कुल कर्सर रखते थे, ऐसे सिलेक्ट करते हुए जाते थे, देखते थे कहाँ खत्म है मेरा, ये यहाँ फुल स्टॉप है, यानी कि यहाँ मेरा सेंटेंस खत्म है, ऐसे सिलेक्ट करते थे, है ना। टाइम लग जाता था, झंझट अलग से कि कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ तक मेरे को लेना है, कभी फुल स्टॉप सिलेक्ट हो गया तो कभी रह गया। इसका झंझट खत्म करने के लिए भी ट्रिक है हमारे पास, फास्टेस्ट वे है टू सिलेक्ट अ सेंटेंस। कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन प्रेस करो और अपने सेंटेंस के बीच में कहीं भी सिंगल क्लिक कर दो और आपका पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट था मेरा सेंटेंस, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ तक मेरा सेंटेंस हो गया खत्म, तो इसने इसको यहाँ तक अच्छे से प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट कर लिया। दोबारा करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस बार दूसरा सेंटेंस सिलेक्ट करना है मुझे, कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन प्रेस किया और इस सेंटेंस के बीच में कहीं भी सिंगल क्लिक कर दो और ये पूरे सेंटेंस को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। तो ये तो था फास्टेस्ट वे टू सिलेक्ट ए सेंटेंस। अब बारी आती है पैराग्राफ की। पैराग्राफ छोटा होता है तो भी आप ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इजीली हो जाता है, पर वही बात है, यहाँ सावधानी यहाँ पर भी आपको बरतनी पड़ती है। यहाँ क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे, यहाँ नीचे तक आओगे, है ना। और वही बात बड़े पैराग्राफ की आती है तो आपको यहाँ ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। स्टार्टिंग में कर्सर रखोगे, क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, ये देखो ये क्या हुआ, जल्दबाजी में दूसरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर लिया। अब इसे करेक्ट करोगे, वापस ऊपर जाओगे, ऐसे सिलेक्ट करोगे कि यहाँ तक मेरा पैराग्राफ है, ऐसे, है ना। टाइम भी लग गया, परेशान अलग से हो गए। तो इसके लिए भी ट्रिक मौजूद है, कैसे और क्या है वो देखिए। सिलेक्ट करना है इस बार आपको पैराग्राफ, फास्टेस्ट वे टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ। आप इस पैराग्राफ के बीच में कहीं भी तीन बार क्लिक कर दीजिए, लगातार तीन बार क्लिक कर दीजिए, 1 2 3 और ये आपके पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए, ये छोटा पैराग्राफ था, जल्दी हो गया। इस पर देखते हैं, ये बड़ा पैराग्राफ है, इसके बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे तीन बार, 1 2 3 और ये देखिए पूरे पैराग्राफ को इसने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये देखिए ऐसे काम कर सकते हैं आप, ये आपका काम फास्ट भी हो गया और साथ ही आपको सावधानी नहीं बरतनी पड़ी, कभी कोई गलती नहीं हुई इसमें, ऐसा नहीं होगा कि फुल स्टॉप रह गया या कोई अल्फाबेट आपका लाइन का बीच में से रह गया, आपको केयरफुल नहीं रहना पड़ेगा। अब आप जल्दी में और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ अपना काम निपटा सकते हैं। प्राइवेट जॉब में आप पर काफी प्रेशर होता है इन चीजों का, आपको ये बातें पता होनी चाहिए ताकि आप किसी भी ऑफिस में जाके कहीं काम करते हैं तो आपका काम अच्छे से हो, पूरी एक्यूरेसी के साथ हो और बिल्कुल फास्ट हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप जल्दी और एक्यूरेसी के साथ कोई वर्ड, सेंटेंस या कोई पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।